यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया है। टैंक मिसाइलें नहीं चले हैं, लेकिन कागजी कूटनीति के मैदान में रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। यूक्रेन के पूर्वी और रूस के करीब वाले दो इलाकों को पुतिन ने दो स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है, और इसके साथ ही रूस की सेना यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में अब घुसने लगी है। जंग की दहशत ऐसी है कि दोनेस्क और लुहांस्क इलाके से लोग भागकर रूस जा रहे हैं, क्योंकि अब अगर यूक्रेन ने एक भी गोली दागी तो वो हमला विद्रोहियों पर नहीं, रूस पर होगा, और तब रूस केवल दोनबास क्षेत्र तक थमेगा नहीं। यूक्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर दो महीने तक ताकत की नुमाइश करता रहा रूस। कभी बेलारूस की जमीन पर रशियन आर्मी ने हाथ दिखाए, तो कभी क्रीमिया की जमीन से काला सागर तक रूस की सेना ने दम दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। युद्धाभ्यासों का दौर खत्म होते होते पुतिन ने शुरू कर दिया टेक्निकल वॉर। रूस में पुतिन की कलम चल रही थी और यूक्रेन के सीने पर खंजर। पुतिन ने पहले यूक्रेन के दोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक यानी डीपीआर नाम से अलग देश की मान्यता दी, फिर लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक यानी एलपीआर नाम से दूसरे नए देश की मान्यता दी। पुतिन जब यूक्रेन के तीन टुकड़े कर रहे थे, उनके साथ डीपीआर के स्वघोषित शासक डेनिस पुशिलिन और एलपीआर के शासक लियोनिड पसेशनिक बैठे हुए थे। इधर समझौता हुआ, उधर रूस की सेना यूक्रेन की सरहद से आगे विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ चली। रूस के टैंक डोनेट्स रीजन के रास्ते में दौड़ते दिखाई देने लगे। रशियन आर्मी के आर्म व्हीकल्स यूक्रेन की तरफ बढ़ने लगे। इधर यूक्रेन की जमीन पर दो नए देश बनाने के पुतिन के फैसले पर पटाखे जल रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। पुतिन ने यूक्रेन को तोड़कर दो नए देश बनाए थे और उसका जश्न डोनेट्स से लुहांस्क तक दिख रहा था। पुतिन ने कहा, ये काम और पहले ही कर देना चाहिए था। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. पुतिन के इस फैसले के साथ यूक्रेन में जंग की दहशत फैल गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने फौरन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। फैसला किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई जाए। उधर यूक्रेन के पूर्वी इलाके में भगदड़ जैसे हालात थे। लोग अपना घर बार छोड़कर रूस की तरफ जा रहे थे। स्टेशन के बाहर भीड़ लगी हुई थी। Выехали, потому что военная обстановка у нас напряженная. Вывозят детей. Пушилин обещал по стабилизации. Через неделю, говорит, будете дома. Да? Через две недельки, да? Через две, через одну, так. 7 साल से अलगाववाद के लिए संघर्ष कर रहा डोनेट्स इलाका पहला वॉर जोन बन सकता है। पिछले दिनों शुरू हुई गोलीबारी में इस इलाके के लोगों को डरा दिया है। А когда стреляют с утра до вечера, то как? Вы будете смотреть, когда у вас влетит в окно? Не хочется, хочется жить даже в этом возрасте. पुतिन ने जब डीपीआर को अलग देश बनाने की मंजूरी दी, तभी से ये दहशत बढ़ गई कि अगर यूक्रेन ने कोई कार्रवाई शुरू की तो पूरा पूर्वी यूक्रेन भीषण जंग की चपेट में आएगा। पुतिन की चेतावनी के बाद ये आशंका और बढ़ गई थी। От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас.
за внимание. पुतिन के एक्शन पर पूरी दुनिया में रिएक्शन शुरू हुआ। पहले बाइडेन से लेकर जॉनसन तक ने निंदा की, फिर पाबंदियों के ऐलान की धमकी दी और यूएन से लेकर यूरोप तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन असली जमीन पर सिर्फ पुतिन की फौज आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रूसी सेना शांति बनाने के नाम पर पहुंच रही है। अब आगे का फैसला यूक्रेन को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।